नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल है आपके। मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कल के एक वीडियो जल्दी ही लाऊंगा कि इन गाड़ियों को खरीदने से लोगों को परहेज करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी गाड़ियां जो आपको बहुत सस्ते प्राइस पे मिल जाती हैं डीलर्स के पास, आफ्टर मार्केट में, OLX पे या कहीं भी देखें, लेकिन वो गाड़ी आपको एक्चुअल में बहुत महंगी पड़ती है। उनकी सर्विस कॉस्ट, उनका जो मेंटेनेंस है, उनका अगर स्पेयर पार्ट कोई खराब हो जाए तो वो डलवाना, या वायरिंग, इलेक्ट्रिक पार्ट, भाई साहब बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है। तो ऐसी ही कुछ गाड़ियों के बारे में आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये कुछ गाड़ियां जो मेरे पास है, मेरी नॉलेज में है, इनको खरीदने से बचना चाहिए, जो आपको सस्ती मिलेंगी लेकिन बाद में महंगी पड़ेंगी। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में सबसे पहला जो नंबर आता है वो आता है टाटा की सफारी। जी हाँ दोस्तों, टाटा सफारी जो ओल्ड मॉडल है, डाइकोर है, आपको बहुत सस्ता मिल जाएगा। लेकिन सफारी के बारे में एक कहावत है बहुत फेमस कि भाई हाथी लेना आसान है लेकिन उसे पाल के रखना बहुत मुश्किल है। मेरे जो एक्सपीरियंस में मैंने जितने भी बंदे देखे हैं जिनके पास सफारी है, वो अक्सर उससे परेशान रहे हैं, चाहे किसी ने नई खरीदी है या पुरानी खरीदी है। सफारी जो ओल्ड मॉडल है अभी भी 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए में बहुत अच्छी कंडीशन की मिल जाती है, लेकिन भाई खर्चे कान पकड़वा देंगे, आपकी जेब फड़वा देंगे। मान जाओ सफारी मत लेना, मंदी मिलेगी सस्ती मिलेगी, फिर भी नहीं खरीदनी है। अगली जो कंपनी का नाम मैं यहां पे लेना चाहूंगा वो है होंडा। होंडा की सिविक और अकॉर्ड, ये बहुत सस्ती मिलती हैं आफ्टर मार्केट में, यानी कि सेकंड हैंड गाड़ी अगर आप सिविक या अकॉर्ड खरीद रहे हो तो आपको लगभग लगभग सिविक तो मिल जाएगी 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख और बहुत अच्छी कंडीशन होगी तो 3 लाख रुपए की। लेकिन भाई सिविक और अकॉर्ड एक तो माइलेज नहीं निकाल के देती, माइलेज इनके बहुत कम है, ये ज्यादा से ज्यादा आपको 5-6 का माइलेज देंगी पेट्रोल के ऊपर। और दूसरी बात जो है इनका मेंटेनेंस कॉस्ट, अभी जो रिसेंटली एक वीडियो में एक कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में मैं आपसे अगर बात करूं तो इनकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है भाई साहब, वायरिंग भी अगर चेंज करानी ना तो 30-40 हजार रुपए लग जाते हैं, बहुत महंगे स्पेयर पार्ट है होंडा की इन दोनों गाड़ियों के। सिविक ले लो या अकॉर्ड ले लो, जिसने भी आज तक ये गाड़ी ली है सेकंड हैंड, मैं बता रहा हूँ सेकंड हैंड, नई गाड़ी खरीदता है तो कंपनी वारंटी वगैरह मिलती है, इंश्योरेंस रहता है, सब चीजें रहती है। लेकिन अगर पुरानी गाड़ी आप खरीदने जाओगे तो भाई साहब जिसने खरीदी है एक बार उससे पूछ लेना कि सिविक या अकॉर्ड खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसी ही एक और कंपनी के बारे में मैं आपको बता दूं, वो है शेवरले। जी हाँ, शेवरले बंद हो चुकी है इंडिया में और इसकी गाड़ियां बहुत सस्ती मिल रही है। जैसे कि आपको स्पार्क बहुत सस्ती 30-40 हजार रुपए की स्पार्क मिल जाती है, आपको बीट मिल जाएगी 1 लाख 1.25 लाख 90 हजार 95 हजार 2 लाख रुपए तक मैक्सिमम आपको बीट मिल जाएगी। और ऐसे ही शेवरले क्रूज है, क्रूज भी बहुत अच्छी इनकी गाड़ी थी लेकिन अब कंपनी चली गई है, तो सेकंड हैंड मार्केट में जो आपको क्रूज है बेस्ट कंडीशन की गाड़ी आपको 3 लाख रुपए में आराम से मिल जाती है। लेकिन अब इनमें दिक्कत आती है इनके स्पेयर पार्ट मिलने में। अगर आपने ये गाड़ी खरीद ली, एक तो आपकी रीसेल वैल्यू नहीं रहेगी और दूसरी जो चीज है आपको जो इन गाड़ियों का मेंटेनेंस कराने के लिए, इनका स्पेयर पार्ट ढूंढने के लिए जो मशक्कत करनी पड़ेगी ना, और जब वो मिलेगा तो मिलेगा एक का दो, मतलब एक प्राइस जो होगा उससे भी 1.5 गुना 2 गुना में मिलेगा। और कहीं कबाड़ी बाजार और कभी सोतीगंज मेरठ में, कभी मायापुरी, ऐसी ऐसी जगह आप जाके ये गाड़ी का स्पेयर पार्ट ढूंढोगे और बड़ी मुश्किल से मिलेगा। तो शेवरले की कोई भी गाड़ी खरीदने से अभी आपको परहेज करना चाहिए बिल्कुल। इसी कंडीशन में आ जाती है हमारी स्कोडा की, जैसे सुपर्ब हो गई या फिर स्कोडा लौरा, ये गाड़ी जो है ये बहुत सस्ती मिलती है आफ्टर मार्केट में, जो पुरानी गाड़ी है लेकिन इनके भाई खर्चे झेलना बहुत मुश्किल है। आप सोचोगे यार 2 लाख 3 लाख रुपए में लग्जरी गाड़ी हमने खरीद ली है और अब तो इसे रख के मजे लेंगे, नहीं ले पाओगे। मैं बता रहा हूं अगर HID का बल्ब भी खराब हो जाता है ना तो 7-8 हजार रुपए का मैंने देखा है सुपर्ब का बल्ब खराब होता है ना, वो भी इतने महंगा मिलता है। और सेकंड हैंड कार मार्केट में आपको स्कोडा लौरा तो बहुत सस्ती मिल जाएगी। एक और स्कोडा की गाड़ी आती है ओक्टाविया, ओक्टाविया बहुत सस्ती आपको मिलेगी सेकंड हैंड कार मार्केट में, लेकिन उसका ORVM उसमें जरा सा अगर कोई पार्ट खराब हुआ तो भाई आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो स्कोडा की गाड़ी याद कर लो अभी से नाम, ओक्टाविया हो गई, आपकी लौरा हो गई, आपकी सुपर्ब हो गई, ये बहुत सस्ती मिलती है आपको आफ्टर मार्केट में, लेकिन आपको लेने के बाद बहुत महंगी पड़ेंगी। जितने रुपए की आप गाड़ी खरीदेंगे एक साल में, मैं गारंटी लेता हूं उतने ही रुपए उस गाड़ी में आप खर्च भी कर सकते हैं भाई, अगर इतना मिजान है आप लोगों का तो ये गाड़ी खरीदना।
फिएट, फिएट भी अभी गाड़ी मिल जाती है आपको सेकंड हैंड मार्केट में, जैसे पुंटो है, लीनिया है, गाड़ी अच्छी है, लेकिन सेम समस्या फिएट के साथ भी है। एक तो इसकी रीसेल नहीं है और ऊपर से आपको स्पेयर पार्ट में बहुत दिक्कत होने वाली है। तो फिएट की जो गाड़ियां हैं उन्हें खरीदने से बचें आप लोग, मेहनत का पैसा है भाई, मिडिल क्लास लोग हैं हम लोग, तो ऐसी गाड़ियां खरीदने से हमें बचना चाहिए। अब अगली कुछ और कैटेगरीज में मैं बता देता हूं, जैसे फोर्ड है, फोर्ड की गाड़ी आती है आइकॉन, आती थी एक, मिल जाएगी अभी भी सेकंड हैंड मार्केट में, लेकिन आइकॉन उसका बस नाम ही आइकॉन है, अभी खरीदने का उसका कोई लॉजिक नहीं बनता। 50-60 हजार में भी आपको आइकॉन मिल सकती है, लेकिन खरीदने के बाद आप समझ जाओगे कि भाई इसने तो हमारा आइकॉनिक बना दिया, इतना महंगा खर्चा मांगती है, बहुत ज्यादा हाई मेंटेनेंस है, और रीसेल तो आप भूल जाओ, आपको कबाड़े में ही कटवानी पड़ेगी। एक और गाड़ी बहुत सस्ती आपको मिल जाती है, मित्सुबिशी की लैंसर। जी हाँ, मित्सुबिशी लैंसर आपको बहुत सस्ते प्राइस में मिल जाएगी आफ्टर मार्केट, 80,000-90,000 में। गाड़ी चलाने में बहुत मजा है, बहुत इंजॉयबल है, लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत है भाई वो ही है मेंटेनेंस वाली। ऐसी ही कैटेगरी में एक और गाड़ी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, पोलो। पोलो बहुत हाईवे की गाड़ी है, सेक्सी गाड़ी है, मजा देती है चलाने में, लेकिन पोलो लेने के बाद उसके जो खर्चे हैं भाई वो मारते हैं। हाईवे की गाड़ी है, पोलो के लवर्स जो है बहुत है, पोलो के फैन फॉलोइंग अलग ही लेवल की है, लेकिन पोलो लेने के बाद जब आदमी 2-3 लाख रुपए खर्च करके आप पोलो ले लेते हो बढ़िया कंडीशन की, और उसमें ना तो वो माइलेज निकाल के दे पाती है अच्छा, और फिर उसका मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो काफी इंक्रीज हो जाता है। तो आपको ये चीज भी समझनी चाहिए, पोलो से भी बचना चाहिए। मारुति की भी एक आधी गाड़ी मैं इसमें नाम ले देता हूँ आपको, जिनको खरीदने से आपको बचना चाहिए। एक तो पहले ग्रैंड विटारा आती थी, वो भी अभी सेकंड हैंड मार्केट में आपको मिल सकती है कहीं ना कहीं, और एक मारुति की आती थी किजासी। किजासी इनकी नहीं बिकी है, जिनको नहीं पता है, यहाँ फोटो दिख रहा होगा आपको किजासी का, इस तरीके की बढ़िया गाड़ी आती थी, लेकिन वही मेंटेनेंस वाली प्रॉब्लम है और ना ही उनकी रीसेल आपको मिल पाती है। तो दोस्तों यही कुछ गाड़ी मेरे दिमाग में थी जिनका मैंने फटाफट से आप लोगों के लिए नाम ले दिया है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी इन गाड़ियों पे जाना चाहते हैं तो मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं, आप अगर एक एक्सपीरियंस कार ड्राइवर हैं, आपको अच्छे से नॉलेज है कि किस चीज में क्या गाड़ी का पार्ट खराब हो सकता है और क्या चीज करने से हमें ज्यादा नुकसान हो सकता है, तो आप इन गाड़ियों के ऊपर में किसी पे जा सकते हैं। अच्छी अच्छी गाड़ियां भी, जैसे सेवरेले क्रूज बहुत अच्छी गाड़ी है, डीजल का रॉकेट लोग उसको बोलते हैं, और इसमें जैसे स्कोडा की सुपर्ब है, वो भी एक लग्जरी गाड़ी में है, इतने कम रुपए में आपको मिल जाती है। लेकिन भाई खर्चे वाली बात है, खर्चा अगर मिडिल क्लास फैमिली से है, सस्ती गाड़ी के चक्कर में मत ही जाना। आप सिर्फ और सिर्फ बताने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में कि कौन सी गाड़ी आपको सबसे ज्यादा फायदेमंद होगी अगर आप सेकंड हैंड खरीदते हैं और आपको सबसे लो मेंटेनेंस उसमें मिलने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो में यही बातें हम करेंगे, आप अभी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो साथ में नोटिफिकेशन बेल आता है उसको दबा दें, उसको ऑल पे लगा दें, ताकि जब मैं कल वीडियो लेके आऊं कि कौन सी गाड़ी खरीदने में आपको सबसे कम मेंटेनेंस मांगती है और सबसे कम सर्विस कॉस्ट उसकी पड़ती है और रीसेल वैल्यू भी अच्छी मिल जाती है, और आपको जब उसे खरीदते हैं तो वो भी 2-3 लाख रुपए में आपको मिल जाती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक किए बिना मत जाइएगा, ना पसंद आई हो तो डिसलाइक जरूर कर देना भाई, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और कोई सवाल आपके मन में है तो यहाँ इंस्टाग्राम हैंडल आपको मेरा दिखाई देगा, अरुण कुशल खत्री के नाम से, वहां जाके फॉलो कर लीजिए। कोई पर्सनल सवाल है, कोई मन में कोई बात आती है मेरे से करने की, तो इंस्टाग्राम पे जरूर मुझे फॉलो कीजिए, वहां पे आप डायरेक्ट मैसेज मुझे भेज सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।